जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, आप बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर कोई फुल फॉर्म से वीडियो लेकर आइए, तो इसके अंदर मैं आपको फुल फॉर्म वाली जितनी भी आपके डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी मैं आपको कराऊंगा जिसकी मुझे संभावना ये लगती है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और पहले बात करता हूँ पिछली वाली वीडियो का, जिसमें मैंने जो GST दरें बताई थी उसमें कुछ बच्चों का डाउट आ रहे हैं। भाई कपड़े की बात करें, जो कपड़ा है, कपड़ा पर जो 1,000 रुपए तक के जो कपड़े हैं उस पर 5% ही GST लगती है। 1,000 से ऊपर की बात करें, जैसे रेडीमेड कपड़े जो हैं, रेडीमेड जो कपड़े हैं इन पर 18% लगती है, इन पर 12% लगती है, 12%। रेशमी कपड़ों पर भी 5% ही लगती है। तो ये थोड़े बहुत ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, एग्जामिनर या तो आपको 5 देगा या 12% देगा, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से सिलेक्ट करनी है कि क्या चीज उस एग्जाम में आपको दी गई है। ध्यान से इसको पढ़ना भाई बच्चों। और बाकी एक शिक्षा की बात हो रही है, जो शिक्षा क्षेत्र है, शिक्षा सेवाएं जो हैं, सेवाएं इन पर भी GST की बात करें तो जो मैंने आपको बताया था 5%, 0%, 0% जितने भी सरकारी संस्थान हैं सभी में 0% GST है, लेकिन प्राइवेट जो निजी संस्थान है उस पर 18 है। तो आप देख लेना किस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो प्राइवेट है, प्राइवेट पर कितनी है, 18%। जो शिक्षा क्षेत्र है, जैसे ऑनलाइन कोचिंग हो गई, ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ जो निजी कोचिंग है उन पर 18% है। तो ये सब चीजें आप क्लियर कर लीजिए, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक होगी हो, तो आप इन सब चीजों को एक बार, मैंने लिंक भी दे रखा है नीचे साइट का, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म वाली क्लास है जिसमें RRR, RRR का मतलब होता है रिवर्स रिपो रेट। रिवर्स रिपो रेट ही देता है, ये बैंक दरें होती हैं। दरअसल जो बैंक है, बैंक के रेट होते हैं, दरें होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। दूसरी फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे यहां पर CRR, कैश रिजर्व रेशो। और तीसरी है SLR, SLR हो जाएगी आपका स्टैचरी लिक्विड रेशो। अब इनको समझ लेते हैं, बैंक रेट, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ये सभी फुल फॉर्म जो हैं ये RBI के द्वारा, ये जो रेट हैं RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो जिस तरह से फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ये पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ यहां से यदि कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे रिवर्स रिपो रेट क्या होती है, कई बार क्वेश्चन ऐसे बना देता है कि वह दर जिस पर RBI द्वारा बैंकों से जमा प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको यहीं पर कवर करा देता हूं। इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं बैंक दर, जिसको BR बोलते हैं। फुल फॉर्म पूछे तो बैंक रेट बता देना, इसको हिंदी में पूछेगा तो बैंक दर हो जाएगी। ये क्या है, तो इस पर क्या होता है, वाणिज्य बैंकों को धन उधार देने के लिए RBI द्वारा वसूली जाने वाली बैंक दर होती है। अब क्या होता है, बैंक है, मान लीजिए कोई SBI बैंक है, SBI, इस बैंक के पास पैसा कम पड़ गया तो किसके पास जाएगा, RBI के पास जाएगा। और RBI जो इसे पैसा देगा, मान लो 100 रुपए दिए हैं तो 100 रुपए के बदले वो लेगा 6.755 रुपए जो है, परसेंट पैसे जो है वो ब्याज के रूप में लेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे। तो मौजूदा टाइम पे जो बैंक रेट है वो है 6.75% भाई बच्चों, ये आप समझ गए। दूसरे की बात करते हैं रिपो रेट। रिपो रेट को आप RBI द्वारा बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक धन दिया जाता है, अल्पकालिक धन, तो देखिए ये जो है बैंक दर, इस पर तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, लेकिन ये अल्पकालिक धन जब आ जाएगा बैंकों को दिया जाता है तो उसी को क्या कहेंगे, सेम ही कंडीशन है, बस ये क्या हो जाएगी, रिपो रेट थोड़ा सा अल्पकाल हो जाएगा, कुछ समय के लिए हो जाएगा। तो ये जो है मौजूदा टाइम पर ये है 6.50%। रिवर्स रिपो रेट की बात करें तो वह दर जिस पर RBI द्वारा बैंकों से जमा प्राप्त किया जाता है। अब क्या होता है, जैसे किसी बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया, PNB लगा सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक,
इसके पास पैसा अधिक है तो क्या होगा, वो आरबीआई के पास अपना पैसा जमा कर देगा, किस दर पर करेगा, आरबीआई के पास, आरबीआई के पास। तो ये करेगा जो मौजूदा टाइम पर इसकी रिवर्स रिपो दर जो है ये है 3.35%। यहां तक किसी की कुछ चीज समझ में नहीं आया तो भाई एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। ये वो दर है जिस पर बैंकों से ब्याज लिया जाता है, रिपो रेट। बैंक दर पे भी जो है अन्य बैंक आरबीआई से क्या लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं। ये दोनों को दोनों ही सेम है, बस ये अल्पकालिक धन के रूप में जानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं नगद आरक्षित अनुपात, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है CRR, कैश रिजर्व रेशो। वह अनुपात जिस पर बैंक को अपने कुल जमा के बदले आरबीआई के पास रखना होता है, तो जो भी उसके पास पैसा है उसके बदले कुछ जमा के रूप में वहां पर रखना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। कोई बैंक भाग ना जाए तो उसका कुछ रेशो, जितनी उसकी पूंजी है उसका कुछ रेशो बैंक के पास रखना होता है, और ये मौजूदा टाइम पर है 4.5%। वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, ये क्या है, तरल अनुपात, वह अनुपात है जिस पर बैंक अपने कुल जमा के बदले अपने पास सोना या प्रतिभूति, इंपोर्टेंट है ये सभी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर मिलती है, जैसे वह अनुपात जिस पर बैंक को अपने कुल जमा के बदले आरबीआई के पास रखना होता है, धन रखना होता है, उसको क्या कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो आपने जो चार ऑप्शन दिए होंगे उसमें का सिलेक्ट करना है नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। उसी तरह इससे भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, तरलता अनुपात वह अनुपात है, या तरलता को छोड़ दीजिए, वह अनुपात जिस पर बैंकों को अपने कुल जमा के बदले अपने पास नगद सोना या प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना होता है उसे क्या कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं भाई बच्चों यहां पर, और इनकी सबकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो दोनों पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। ये वैधानिक तरलता अनुपात जो है ये मौजूदा टाइम में है 18%। तो ये चीजें आप सभी की समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं आगे जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म पूछे, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल काफी बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में पूछेगा तो ऐसे बता देना, इंग्लिश में पूछेगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यदि कोई पोर्शन आपको हिंदी में दिया गया है तो उसके नीचे ही उसकी इंग्लिश दी गई है, आप उससे भी उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सभी फुल फॉर्म है, जो वैसे तो जीडीपी की जो है अपनी पूरी की पूरी एक क्लास होती है, उसके अंदर ये सभी चीजें, इसके फार्मूले क्या होते हैं, जीडीपी क्या होती है, सब चीजों को समझना होता है, लेकिन समय नहीं है। फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स की ये इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, आरआरबी, यदि आरआरबी की फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो ये हो जाएगा रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिंदी में ऐसे आ जाएगी और इंग्लिश में होगी रीजनल रूरल बैंक। इसकी बात करें तो इसको बनाया गया था 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में, और जो पहला बैंक खोला गया था, पहला बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो था पहला, ये मुरादाबाद था। मुरादाबाद कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी में था। इसके अंदर जो होता है सरकार का, सरकार, उसके बाद राज्य सरकार और बैंक, जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं उनका कुछ रेशो होता है उसको पूछा जाता है। जो सरकार का रेशो होता है इसके अंदर 50% होता है, राज्य सरकार का 15% होता है, और 35% होता है जो प्रवर्तक बैंक होते हैं उनका होता है। यहां पर ये सारा रेशो बताया गया, भारत सरकार इसमें कितना पूंजी इन्वेस्ट करती है तो 50% करती है, राज्य सरकार जो करती है वो करती है 35%,
और वही करें बैंक, सॉरी बैंक की बात करें तो 35% करती है और राज्य सरकार जो करती है यहाँ पर 15% करती है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। अब नॉर्मल क्वेश्चन है जिस टाइप से पेपर बन रहा है कॉन्स्टेबल लेवल का, तो पूछे जा सकते हैं आपसे। तो उम्मीद करता हूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की डिटेल भी आपको पता लग गई होगी और इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता लग गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म है, इसको बनाया गया था 1967 ईस्वी में। इसके अंदर जो है 11 देश है, देश कितने हैं इसके अंदर, तो देश आपसे पूछ ले क्योंकि ये भारत के रीजनल क्षेत्र में ही पड़ता है, 11 देश हैं, देश 11 हैं इसके अंदर। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो ये आ जाएगा जकार्ता, जकार्ता इसका, जकार्ता जो है इसका हेडक्वार्टर है, जकार्ता। ये कहां पर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका इंडोनेशिया। आगे बात करते हैं एडीबी की, एडीबी की फुल फॉर्म पूछे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसको बनाया गया था 1966 ईस्वी में और इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा ये मनीला के अंदर मिलेगा, मनीला फिलीपींस में मिलेगा। फुल फॉर्म पूछेगा क्या हो जाएगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगी। और इसके अंदर कुल सदस्य देश हैं, कुल सदस्य देश पूछे तो 68 इसके अंदर कुल सदस्य देश है। चलिए आगे बात करते हैं बिमस्टेक, बिमस्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पूछे आपने बता देना, बनाया कब गया था तो 1997 ईस्वी को इसको बनाया गया था। बिमस्टेक के अंदर कुल देश जो है, कुल देश आ जाएंगे इसके अंदर 7। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका एक ग्रुप है, इसके अंदर अभी नए मेंबर भी जुड़े हैं तो उसको मत पढ़िए, वैसे इसकी फुल फॉर्म भी आपसे नहीं पूछी जाएगी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, BARC की फुल फॉर्म हो जाएगी भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, तो इसकी फुल फॉर्म पूछे तो ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट की बात करें तो भीम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भीम, भीम ऐप जो है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट फॉर्म है और काफी बार एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है। तो भीम की पूछे तो भारत इंटरफेस फॉर मनी आ जाएगी। AEP की आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो जाएगी, वहीं APBS की बात करें तो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम हो जाएगी। चलिए इसकी इंपॉर्टेंट है आपकी, ये पूछी जा सकती है, CIBIL सिविल, ठीक है ना, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। वहीं बात करें CB, आगे बात करते हैं FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो खाद्य और कृषि के क्षेत्र में काम करती है, ये हो जाएगी। वैसे आपने याद भी करनी है तो इसका मैं PDF आपको उसमें प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहां से आप इसे याद भी कर सकते हैं सभी फॉर्म को। आगे बात करें FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, इनको मार्क करिए IMP। तकरीबन 50 से ज्यादा फुल फॉर्म है जो आपसे पूछी जाने की संभावना है, ज्यादातर जैसे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो इन्हें पहले ही याद कर लेते हैं, कुछ स्टैटिक में याद कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ याद कर लेते हैं। तो ये सभी चीजें जैसे भारत और उसके पड़ोसी देश और उनके साथ साथ जो संबंध हैं और उनके उनके जो ग्रुप है, जैसे बिमस्टेक हो गया, सार्क हो गया, तो ऐसे ग्रुपों की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो नॉर्मली बच्चे इन्हें स्टैटिक में पढ़ते ही हैं। लास्ट टाइम तक आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है तो भाई बच्चों आप इनको PDF से भी पढ़ सकते हैं, PDF क्लास के तुरंत बाद में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी मैं मेन आपको बता रहा हूं कि ये आप पढ़ लीजिए। FDI हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आ जाएगा FICCL, इसका हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फसाई की फुल फॉर्म की बात करें ये आ जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है, अभी एग्जाम में नहीं आई तो ये आ सकती है।
आईबीआरडी की बात करें तो ये हो जाएगी इंटरनेशनल बैंक ऑफ, ये हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आगे बात करें तो ये आ जाएगी आईसीएआर, इंपॉर्टेंट है आईसीएआर, ये हो जाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करें तो आईएफएससी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएलओ इंपॉर्टेंट है, आईएलओ ये संगठन मजदूर संगठन है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएफ की बात करें तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की बात होती है, तो ये दोनों इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी संस्थाएं हैं जो वित्त पोषण के लिए काम करती हैं, अन्य जो देश हैं उन्हें कर्जा देने का काम करती हैं, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वही बात करें ये आ जाएगी आईएमपीएस, इसकी फुल फॉर्म पूछेगा तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी जो है वैसे रेलवे की फुल फॉर्म पूछी नहीं जाइए जानी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि है तो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों मैं फिर आपको एक बार बता देता हूं, देखिए मैं आपको ये पढ़ा तो रहा हूं आपके कहने से, लेकिन मेरा मन नहीं था आपको ये चीजें पढ़ाने का, क्यों नहीं था, क्योंकि देखिए ये चीजें ऐसी होती हैं जितना टाइम आप मेरी वीडियो देखने में लगा रहे हो उससे बढ़िया तो मैंने सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रखी है तो आप वहां से पढ़ लेते। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं कि आप मेरी वीडियो देखो उससे मुझे ऐड मिलेंगे पैसा मिलेगा, कुछ नहीं है, ये सब चीज फालतू की चीजें हैं। आपने केवल क्या करना है, अपने सबसे पहले अपने करियर के बारे में सोचना है। और एक चीज मैं और आपसे कहूंगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वीडियो की क्वालिटी जो है थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा ले करो भाई बच्चों। और तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी सी फास्ट करके देख ले करो, आपके पास इतना समय नहीं है, मान लो आप देख ले करो 1.25 स्पीड पर देख ले करो या 250 स्पीड पर देख ले करो, तो उससे आपका जो समय है वो बच जाएगा। तो इंडियन रेलवे ये क्या हो जाएगी, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसरो की फुल फॉर्म कौन नहीं जानता, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आईयूसीएन इंपॉर्टेंट है, आईयूसीएन की पूछी जा सकती है, आईयूसीएन जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति को बचाने के लिए काम करती है, और रेड सूची जो है सूची ये जारी की जाती है, इसके लिए पशु पक्षी की जो सूची है वो रेड लिस्ट जो है वो इसी के द्वारा जारी की जाती है। चलिए केवाईसी इंपॉर्टेंट है, अभी पूछी नहीं गई लेकिन पूछे जाने की संभावना है, केवाईसी नो योर कस्टमर, एमपीआईएन मोबाइल बैंकिंग रीजनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इसके फुल फॉर्म हो जाएगी। नाबार्ड की बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड भी, नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए जो काम करेगा वो कौन करेगा, नाबार्ड करेगा। नासा की बात करें नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नोटा की बात करें नोटा की फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एनईएफटी ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स की कोई फुल फॉर्म यदि एग्जामिनर के सामने ये आई होगी तो आपके एग्जाम में जरूर रखी मिलेगी, चाहे चार शिफ्ट है किसी में भी मिले यदि उसके सामने आई होगी, लेकिन यदि उसका मन ही नहीं होगा इसे रखने का तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। नीति की बात करें तो नीति आयोग ही है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में इसको बनाया गया था। एनपीए ये तो पूछी जा चुकी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीसीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो एनपीएस की बात करें तो ये नेशनल पेंशन सिस्टम हो जाएगा, वहीं एनएसई की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, एनईएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए एनओएस की बात करें नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस एनटीपीसी, एनटीपीसी की बात करें तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वही बात करें ओपीईसी, ओपीईसी की करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ये हो जाएगा पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज,
पैन की बात करें, पैन की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, जो पैन कार्ड होता है उसकी फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। अब मुश्किल है कि ये पूछी जाए, लेकिन कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, जीवन बीमा ज्योति योजना। इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, योजनाएं वगैरह की फुल फॉर्म नहीं पूछी जा रही, केवल बैंकिंग वाली जो क्षेत्र है, सेक्टर है, उसकी फुल फॉर्म आ रही है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं भाई बच्चों, पीएफएमएस। पीएफएमएस क्या हो जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पिन की बात करें तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी भी फुल फॉर्म दुखी भी बहुत करती है, याद नहीं आती एग्जाम के अंदर बैठ के, और पूछी ज्यादा जाती है। पिन कोड की बात करें तो ये हो जाएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। पिन कोड जो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो योजना तो आप स्कीप ही कर दिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। पॉस्को की बात करते हैं, पीओ सी एस ओ, ये आ जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसको बनाया गया था, इसका गठन पूछ लेता है कई बार, 2012 में। जो चाइल्ड अपराध होते हैं, बच्चों से संबंधित जो अपराध होते हैं, वो सभी के सभी इसके अधिनियम के अंदर आते हैं। सार्क की बात करें तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। वही सेबी की बात करें तो ये हो जाएगा स्टैचरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। सिडबी की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। TIN की बात करें तो ये हो जाएगा फायर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ट्राई की बात करें, ट्राई आ जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए चलिए नेक्स्ट की बात करें तो ये हो जाएगी UIDAI, ये 2009 में बनाया गया था, जो आधार है, आधार रेगुलेटरी सिस्टम है, ये जो आधार को रेगुलेट करता है, आधार के लिए नियम कानून बनाता है, UIDAI ही बनाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ जाएगी। उसके बाद बात करें तो ये आ जाएगी UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। UNDP की इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNEP, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप, ये आ जाएगी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये पर्यावरण से संबंधित काम करने वाली संस्था है, और ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था किस क्षेत्र में काम करती है, जैसे पर्यावरण के लिए, मजदूर के क्षेत्र में, और डेवलपमेंट के क्षेत्र में कौन सी काम करती है, तो इस तरह से आ रही है ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम के अंदर। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो 46वीं बैठक हुई है, ये भारत के अंदर ही हुई है, भारत, और कहां पर हुई है, तो दिल्ली के अंदर हुई है, ये भी आपने याद रखना है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNICEF, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। यूनिसेफ कहेंगे इसको, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें तो बस खत्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट कुछ भी नहीं है।